से एक काम और करना यार, ये ना हेलमेट, चाबी चाबी कहाँ? चाबी ये ना रख लेना यार यहीं पे, मैं भाई ले जाएगा सुबह, ठीक है? तो आइए शुरुआत करते हैं एक और सफर की और चलते हैं फिर से एक बार पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में। इस बार के सफर की जो टगर है वो है दिल्ली टू ओली, जिसका डिस्टेंस अप्रॉक्स 520 किलोमीटर है एंड इट टेक्स अप्रॉक्स 14 आवर्स टू कंप्लीट द जर्नी इंक्लूडिंग फ्यू शॉर्ट ब्रेक्स फॉर स्नैक्स एंड लंच। ये है नेशनल हाईवे 334 जो कि एक बहुत बिजी हाईवे है विच कनेक्ट्स दिल्ली यूपी एंड उत्तराखंड। लेकिन इस वक्त हाईवे पर चलती गाड़ी से इंजॉय करते हैं इन सिनेमैटिक शॉट्स को। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है बट मजा काफी आएगा। Face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. ड्राइव करते करते अप्रॉक्स 4 या 5 घंटे हो गए हैं, तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और इस वक्त हम हैं ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे टुवर्ड्स देवप्रयाग। Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. तो अब हम आ गए हैं श्रीनगर इन गढ़वाल, जो कि उत्तराखंड का एक बहुत बड़ा सिटी है, जो गढ़वाल यूनिवर्सिटी या हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के नाम से भी काफ़ी फेमस है। बड़ा सिटी होने के साथ साथ यहाँ पर खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से कुछ फल खरीदेंगे और मौसमी का जूस पीकर आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। जर्नी में फ्रूट्स हमेशा कैरी करने चाहिए क्योंकि फ्रूट्स अक्सर सफ़र में काफ़ी फ्रूटफुल होते हैं। Like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds.
They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken. I got patience. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. So अब हम पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग और ये है इंटरसेक्शन बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए. राइट में जो सड़क है वो जाती है बद्रीनाथ एंड लेफ्ट गोज टू केदारनाथ. साथ ही साथ रुद्रप्रयाग पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है जो कि फोर्थ प्लेस पर आता है एंड यहाँ पर मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में आकर मिलती है विच इज नोन एज अ सेक्रेट प्लेस इन गढ़वाल रीजन ऑफ उत्तराखंड. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic blow the. Now we have reached Karnapriyag. और यहाँ पर पिंडार नदी आके मिलती है मंदाकिनी नदी से. और ये प्रयाग क्रमांक या फिर सीक्वेंस के हिसाब से आता है थर्ड प्लेस पर. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. ये है नंदप्रयाग जहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है मंदाकिनी नदी से. नंदप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है जो कि सेकंड प्लेस पर आता है जहाँ पर एक लोकल ढाबे में हम करेंगे लंच. पीपलकोटी से पहला क्लियर व्यू दिखाई देता है स्नो कैप माउंटेन्स का विच इज ब्यूटिफुल एंड मैसमराइजिंग. और यहां से जोशीमठ रह जाता है अप्रॉक्स 35 किलोमीटर्स. So finally we have reached the destination. और जल्दी से होटल का क्विक ओवरव्यू लेते हैं. अभी हमने देखा होटल का क्विक ओवरव्यू और अब करते हैं डिनर. इतनी लंबी जर्नी के बाद खाने का एक अलग ही मजा है.
चावल ले रहा हूँ भाई, सर्विंग देख लीजिए 90 rupees। हमने ऑर्डर किया है दाल मखनी, पनीर बटर मसाला एंड मटर पनीर, साथ में कुछ तंदूरी रोटियां और राइस, और स्वीट्स में इन्होंने हमें दी है सेवइयां विथ लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स इन इट। खाना खाने के बाद यहाँ पर दिखा एक भूटिया डॉग एंड उसका पपी, जो पता लगा कि होटल ओनर का ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ देर इनके साथ वक्त बिताया जाए, इनके साथ जान पहचान की जाए और खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। जोशीमठ में मैं उस वक्त हूँ होटल उदय पैलेस में। उदय पैलेस होटल जो है वो अप्रॉक्स 1.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है रोपवे पॉइंट से, जहाँ से रोपवे जाता है ओली के लिए। एस्थेटिक कीप बहुत अच्छा है, मतलब नीट एंड क्लीन है, खाना अच्छा है। होटल के ही रेस्टोरेंट में मैंने खाना खाया था, तो बहुत अच्छा खाना था, डिनर अच्छा था। डिनर में मैंने जो लिया था वो थाली थी, जो कि अराउंड 300 की है, लेकिन थाली मोर देन एनफ है। आई थिंक उसमें एक से भी थोड़ा अगर मतलब शेयर भी कर सकते हो तो आराम से आप कर सकते हो, मतलब एक किलो तो मोर देन एनफ है। उसमें पनीर की सब्ज़ी है, दो पनीर की सब्ज़ी है, एक उसमें दिया था मटर आलू। मटर आलू थोड़ा सा सिंपल था, ठीक था, वो भी अच्छा था, बट लेकिन पनीर बहुत औसम था। साथ में स्वीट था जिसमें सेवैयाँ प्लस उसमें देसी घी डाला हुआ था, और पुलाव जिसमें ड्राई फ्रूट्स थे वो भी डाले गए थे अच्छे क्वांटिटी में, और क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो ऑल ओवर होटल बहुत अच्छा है उदय पैलेस, जो कि रोपवे से 1.1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और ये होटल के पास में। अब रात काफी हो गई है तो मैं चलता हूँ सोने, कल मॉर्निंग में अपने को जाना है ओली, जहाँ नज़ारा कुछ अलग ही होने वाला है। सुना है अप्रॉक्स 4 से 5 फीट बर्फ गिरी हुई है, उसके लिए वापस से एनर्जी रिस्टोर करना जरूरी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सफर को कंटिन्यू करेंगे और लुत्फ लेंगे कुछ बर्फीली उत्तराखंड की हसीन वादियों का। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।